आप खूब कम दिनों में अमीर होना चाहोगे तो आप बिटकॉइन पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन पर कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको मैं इस वीडियो के एंड तक थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, उसके बाद बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसा लगा तो उन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो, लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। कैसे करोड़ों कमा सकते हो आप घर बैठे बैठे, और भी मैं आप डिटेल्स में बताऊंगा। तो बिटकॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे है जो कि हमारे देश में नहीं टोटल वर्ल्ड पर बिटकॉइन किसी एक का नहीं। बिटकॉइन पर इन्वेस्ट आप इजीली कर सकते हो घर बैठे, और इंडिया पे आप बहुत अच्छा तरीका से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो पहले जानिए कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक जो कि किसी तो एक का नहीं कहा जाता है, कि आप मान लो सपोज एक जैसा कि आप हमारे जो इंडिया में मनी चलता है या फिर अमेरिका में डॉलर चलता है, तो यूरोपीय में यूरोपियन की करेंसी जो चलता है, तो इस तरह बिटकॉइन है। सपोज मान लो मैं आपको एक बिटकॉइन दे दूंगा, उसको बदले में बोलूंगा कि आप मुझे पैसा दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो नहीं सकता कि आप बिटकॉइन के बदले पैसा ले सकते हो। कोई बार सुना होगा पहले से 2012 में जो कि इंडिया बैन कर जो किए थे बिटकॉइन को, लेकिन बाद में फिर आपको किया था। तो बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करने से आपको दो प्रकार के इन्वेस्ट क्या है, एक बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करना एक्चुअल इन्वेस्ट और एक वर्चुअल इन्वेस्ट। एक्चुअल इन्वेस्ट जो कि आप 10 या 20 साल के लिए कोई टारगेट लेकर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपकी कोई बिजनेस करना चाहते हो, या आप छोटा सा बच्चा है उसको बड़ा करके कोई बिजनेस में पैसा देना चाहते हो, तो उसके लिए आप पैसा फिक्स पर जो कि 20 साल के लिए फिक्स रख देते हो बैंक। वही बैंक जो पैसा जो कि पर साल इंप्रूवमेंट होता है, उसकी पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको आप एक्चुअल इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी इन्वेस्ट कहां पर भी जा नहीं सकता, समझ गए, बहुत अच्छी तरह से समझे। बिटकॉइन आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, उनमें से बिटकॉइन जैसे रिटर्न कोई भी कंपनी नहीं देगी, कोई किसी पर भी। आप जो बैंक पे पैसा रखने के लिए जाओगे, कम से कम आपको 2 से 3% की इन्वेस्ट दे जो इंटरेस्ट देती है आपको, लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन आप एक महीना में करोड़ों कमा सकते हो बिटकॉइन पर। इसलिए मैं ऐसा बोला कि आप बिटकॉइन जैसा बिग रिटर्न कहां पर भी नहीं मिलेगा, और बिग रिटर्न जैसा आप बहुत नीचे भी गिर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा दिमाग स्मार्ट इन्वेस्ट करना है। स्मार्ट कैसा इन्वेस्ट करना है आपको मैं ये तरीका बताऊंगा। तो उनमें से इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करने, बिटकॉइन आपको तो मैंने पहले से बताया कि 500 से ज्यादा करेंसी है, लेकिन उनमें से ज्यादा इन्वेस्टर लोग बिटकॉइन पर ही इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे बिटकॉइन जैसा बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, लेकिन एक बिटकॉइन पर ही लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हो, बिटकॉइन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछले वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बताया था, आप चाहे तो शेयर मार्केट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो उनके लिए फिर आप क्या क्या जरूरत है, आपका पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते हो। लेकिन पहले से आप पैन कार्ड ठीक कीजिए, नहीं तो आप स्टूडेंट देखते हो मेरे वीडियो को, तो आप कोई आपकी फैमिली का पैन कार्ड लेकर उसकी अकाउंट डाल के उनमें से काम चला लो, हो जाएगी, तो बाद में आप अपना फिर डाल के कर सकते हो। तो ये है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप स्टॉक मार्केट जैसा क्या डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट दोनों खोल सकते हो उनमें से एक है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कित कब ये स्टार्ट
स्ट्रगल करेगा, ऊपर जाएगा, उसकी जो ग्राफिक ये यहाँ है ना ऐसा, तो उसकी जो ग्राफिक है कैसा कब जाएगा उसको थोड़ा उस अच्छी तरह से रिसर्च करना भैया, नहीं तो फिर बोलोगे आप आपकी बात में बोलोगे जो पढ़ के, तो आज तो कोई वीडियो देखते हो सकता है आप मेरे वीडियो को 10 साल बाद भी देखोगे, तो नहीं तो फिर बोलोगे 10 महीने 10 साल बाद देखोगे तो फिर बोलोगे नहीं मैं तो आप तो बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, मैं डीमैट अकाउंट खोल के भी इन्वेस्ट कर दिया। आप उनमें से देखिए फिर आपको मन में ये सवाल आएगा जरूर कि बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करूंगा तो कितना करूंगा, कितना पैसा भी इन्वेस्ट करूंगा, जो उनमें से कितना पैसा मैं ट्रेडिंग करूंगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको वहां पर ज्यादा पैसा खर्च करने का नहीं, आप 20 रुपया से ही स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, आप 20 रुपया से ही आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग उनमें से, आप ज्यादा पैसा नहीं देने का। अभी के डेट में एक बिटकॉइन का वैल्यू जो कि 40 से 43 लाख के अंदर अभी की टाइम पर, जो कि एक बिटकॉइन आज कौन सा साल 2021 है, जब उसकी 10 साल पहले जाकर 2010 में एक बिटकॉइन का रेट कितना था पता है आपको, एक बिटकॉइन का रेट 20 रुपया था, एक बिटकॉइन का जो कि इतना ज्यादा भाव उतना ज्यादा धीरे 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 बढ़ता गया, 2 साल में उनका 10 साल में एक बिटकॉइन का रेट आज 42 लाख हो गया। क्यों लोग ज्यादा इन्वेस्ट बिटकॉइन पे करते हैं, और ये है आपको तो एक्चुअल इन्वेस्ट बता दिया, वर्चुअल इन्वेस्ट क्या है, वर्चुअल इन्वेस्ट पर आपको कोई भी लाइक नहीं दिखा सकता, मैं कहां पर जाऊं, मैं दिल्ली जाऊंगा तो कौन सी रास्ता पे जाऊंगा ये आपको दिखाई नहीं देगा, आप कहां पर जा सकते हो, दिल्ली कब पहुंचना है नहीं पहुंचना है आपका, आप पहुंच सकते हो नहीं भी पहुंच सकते हो उनमें से, ऐसा भी ये है वर्चुअल इन्वेस्ट है, जो कि आप कोई भी लाइफ टाइम के लिए ये पैसा नहीं रख सकते, नहीं मैं जो मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा या मेरे लड़की जो बड़ा हो जाएगा उसको शादी करने के लिए मैं थोड़ा पैसा जो बैंक में जैसा रखते हैं जो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता था, तो ऐसा नहीं कर सकते उनमें से, ये आपकी पैसा डूब जा सकती है, नहीं तो एक बहुत बड़ा मोटे रकम से आपके जिप में आ सकते हैं, समझ गए अभी बिटकॉइन के बारे में, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं तो बहुत कम ही, नहीं तो पूरे के पूरे चला जाएगा भी आपका पैसा, इसलिए आप तो एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, अभी के टाइम पर आप एक बिटकॉइन खरीद नहीं सकते क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस कम से कम 43 लाख, 20 से जो कि 40 से 43 लाख, आपके पास इतना इन्वेस्ट करने का भी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, आप छोटे छोटे टुकड़े खरीदना पहले, उनमें से ट्रेडिंग करो 20 रुपया लगो 100 रुपया लगा के उनमें से ट्रेडिंग करो, उनमें से पैसा निकाल के ग्रोथ करो, कम से पहले से धीरे धीरे करना है, पहले से सन ही करना है, जब आप धीरे धीरे काम करोगे उनमें से आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको 20 रुपया चला जाएगा, लेकिन आप 2 लाख चला जाएगा, अरे मैं 2 लाख चला गया, बाप 2 लाख चला गया, मैं आज तो नहीं खाऊंगा समझ गए ना अभी, तो इसलिए आप ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, जितना हो सके कम पर आप ट्रेडिंग करो, उनमें से डीमैट अकाउंट खोल के उनमें से ट्रेडिंग अकाउंट खोल के तो हो सकते हैं उसी से आपको राकेश झुनझुन वाला जो कि हमारा इंडिया का वॉरेन बफे सबको पता है, तो कितना पैसा कमाते हैं महीने, एक महीने जो कि 5000 रुपया से शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट किए थे, शेयर मार्केट पर मैंने पिछले वीडियो में दिए थे, तो जो कि 5000 से 20 करोड़ का मालिक बन गए, समझ गए तो भाई, तो कितना रिटर्न, ये तो शेयर मार्केट, उनमें से भी ज्यादा रिटर्न
कहाँ पर? बिटकॉइन पर, जो कि मैंने आपको बोला था, जो पहले था 2010 में जिनका प्राइस 20 रुपया था, जो बिटकॉइन का प्राइस 2010 में 20 रुपया था, आज की डेट में वो बिटकॉइन का प्राइस लगभग 40 से 43 लाख हो गया। समझो, जो जो बंदा 2010 में 100 रुपया का इन्वेस्ट किए थे जो बिटकॉइन पर, आज की डेट में उसके पास 2.5 करोड़ हो सकते हैं। समझ गए अभी? 2 से 2.5 करोड़, लाख की बात नहीं मैं बोल रही हूँ, अच्छी तरह से ध्यान से समझो, 1 लाख या 2 लाख में 2.5 करोड़ का मालिक हो सकते हैं। कितना पैसा से? सिर्फ या सिर्फ 100 रुपया से। आप 100 रुपया जब 2010 में उनमें से ट्रेडिंग कर सकते हो या करते थे या इन्वेस्ट करते थे, आज आप बैठे बैठे आप करोड़पति हो जाएंगे या हो जा सकते, ठीक है? तो आप अभी भी टाइम है, हो सकते हैं आज की डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख हो सकता है और 2-3 साल या और 200 साल के बाद उसका 2 गुना हो सकता है, जो कि 1 करोड़ भी हो सकता है एक बिटकॉइन का। इसलिए आज से ही इन्वेस्ट स्टार्ट करो, आज से इन्वेस्ट स्टार्ट करो, एक एक छोटा सा टुकड़ा खरीद ले 20 रुपया से, एक जो कि बिटकॉइन का टुकड़ा खरीद के उनमें से ट्रेडिंग करो, उनमें से ट्रेडिंग शुरू करो। जितना अच्छी से ट्रेडिंग शुरू करोगी आपको उतना फायदा होगा, उतना फायदा उठा सकते हो खूब कम समय पर, ठीक है? तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो तो जरूर कमेंट करके बताना। फिर आपका जो ट्रेडिंग बिटकॉइन के बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर आपको अगले वीडियो में एक जरूर बेहतर वीडियो लेके आऊंगा। और आपको एक बात बोलूंगा, आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ आपके रिश्तेदार दोस्त जो भी है उसके साथ फैला दीजिए।